हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कुछ नया, मतलब हमारे खेलने वाले कुछ गेम्स जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल तो नहीं भी खेलते हैं, बट हमारे टाइम में बहुत खेलते थे। तो मैं भी मायके गई थी, मैंने भी खेली, तो हमने भी बहुत सारा इंजॉय किया। तो उसको बोलते हैं पर्ची, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने खेली भी होगी। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं आज डिटेल से बताऊंगी कि ये जो है वो किस टाइप की गेम होती है और किस तरह से इसको खेलते हैं और इसके लिए कितने प्लेयर, सब कुछ मैं पूरी डिटेल से गेम को खेलते खेलते मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए आज का वीडियो पूरा देखे, जिन्होंने गेम सीखनी हो और जिनको आती होगी वो वैसे ही देख सकते हैं, मतलब अपने मनोरंजन के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो लड़की पर्ची बना रही है, इसका नाम है वंशिका। ये है मेरी कजिन सिस्टर। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से प्रोसेस बताती हूँ। इसने एक कागज़ लिया है और इसके हम जो है वो चार लोग पर्चियाँ खेल रहे थे, तो हम चार पर्चियाँ बनाएंगे। इसके जो है वो चार हिस्से कर लिए हैं बराबर बराबर से। इसको मतलब इसमें जो ऊपर जैसे जो का कॉपी होती है, मैं कैसे समझाऊँ, उसमें भी ऊपर जो है वो प्लेन हिस्सा होता है थोड़ा सा, उसको साइड में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर उसको नहीं निकालेंगे तो दो पर्ची होगी वो सेम बनेगी, इसीलिए उनमें जो है वो पहचान भी रह जाती है कई बार, मतलब पता लग जाता है कि किस चीज़ की पर्ची है। तो उसको साइड में निकाल के और चारों पर्ची को बराबर बराबर हिस्सों में जो है वो हम लोग काट लेंगे, इसके चार हिस्से कर लेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा हो, मान लो 5 लोग हो, 6 लोग हो, तो उस हिसाब से हम पर्ची बना सकते हैं। चार पांच जितनी भी हमें चाहिए होती है हम उतनी बना लेते हैं। तो अभी हमें फ़िलहाल चार ही चाहिए थी, क्योंकि मैं थी, वंशिका और अंशिका और ऋषिका, तो हम चार लोग थे पर्ची बना खेलने वाले, इसीलिए हम जो है वो चार ही पर्चियाँ बनाएंगे। ये जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होती है, काफ़ी लंबी भी होती है, जब तक मतलब खेलना चाहो तब तक इसको खेल सकते हैं। तो इसने जो है वो चारों पर्चियों को बराबर हिस्से में मतलब कट कर लिया है। अब इस पे हम लिखेंगे नाम, तो नाम इस पे क्या क्या लिखते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा क्लोज से। तो इसने बनाई है सबसे पहले राजा की पर्ची, ये है राजा, और राजा को दिए हैं 1000 नंबर। तो अब इसको जो है वो फोल्ड कर लेंगे, तो राजा जिसके पास भी जब भी आएगा तो उसके जो है वो 1000 नंबर काउंट होंगे, जो राजा की पर्ची है। तो ये किसी के पास भी आ सकती है, जैसे ही हम पर्ची फेंकेंगे तो उठाएंगे, फिर जिसके पास राजा आ गया तो राजा के जो है वो हाईएस्ट नंबर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि राजा जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए राजा के मतलब 1000 नंबर लिखते हैं। उसके बाद बनाएगी ये नेक्स्ट पर्ची। तो इसको, इन पर्चियों को जो है फोल्ड भी जो है वो मतलब बराबर करना होता है, अगर छोटा बड़ा करो तो फिर पर्चियों में पहचान रह जाती है। और अब बनेगी सेकंड पर्ची, जो कि बनेगी आई थिंक रानी की, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मुझे नहीं पता ये कौन सी बनाएगी, पर हाँ इसने रानी ही बनाई है। और रानी को देंगे कितने नंबर देगी, 500। तो नंबर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने हमने दिए हैं आप लोग भी उतना ही नंबर इनको दें, जितने आप चाहो, 1000, 2000, 3000, जैसे मर्जी, जिस हिसाब से आपने खेलना हो आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हो। तो हमने जो है वो 1000 राजा को दिए थे, 500 इसने रानी को दिए, कई बार हम 800 भी दे देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दो पर्ची जो है वो बन के हो गई है तैयार, ये इसको जो है वो फोल्ड कर रही थी, मतलब जैसे इसने फर्स्ट वाली की थी वैसे ही ये इसको भी कर रही थी। और अब बनेगी थर्ड पर्ची, इसने बना ली थी शायद पहले ही, नहीं, अच्छा दो, इसके अभी दो पर्ची बनाने को रहती है। तो थर्ड पर्ची ये बनाएगी सिपाही की, और सिपाही का इसमें जो है वो इस गेम में बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि इस गेम में सिपाही ही जो है वो सारे काम करता है, बाकी की पर्चियाँ मतलब बाकी के लोग तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो सिपाही को बहुत कम नंबर दिए है इसने, 100 नंबर, वैसे सिपाही के ज़्यादा नंबर होने चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग आगे देखिए कि सिपाही ने इसमें कितना ज़्यादा काम करना है इस वाली गेम में। और अब रही लास्ट पर्ची, तो लास्ट पर्ची चोरी होगी, क्योंकि एक चोर भी होता है, चोर और सिपाही इस गेम में
जरूरी है, जो कंपल्सरी है, बाकी के आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। राजा, रानी, वजीर, सैनिक, मतलब कुछ भी ऐड करना हो, अगर ज़्यादा प्लेयर हो तो सैनिक भी ऐड कर सकते हैं, वजीर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, रानी होगी, सिपाही हो गया, राजा हो गया, और चोर तो जो है वो अभी ये फोल्ड कर ही रही थी। तो अब कॉपी पे जितने प्लेयर हैं उनके नाम लिख लेंगे, मतलब एक तरह से ये स्कोर बोर्ड होगा। तो फर्स्ट में मेरा नाम आया था, रेनू, और फिर उसके बाद अंशिका, फिर वंशिका, क्योंकि हम जो है वो चार ही लोग खेल रहे थे तो हम चारों के ही नाम लिखेंगे, और ऋषिका। तो यहाँ पे जितना भी जब तक हम गेम खेलेंगे, मतलब यहाँ नीचे तक हम खेलेंगे जहाँ तक कॉपी होती है, तो लास्ट में जो है वो टोटल हम लोग कर देंगे। तो ये होगी स्कोर बोर्ड, सेंटर में लाइनें लगा लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे इसको एक तरह से, अलग अलग खाने जो है वो सभी के हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं खेलना। तो पर्चियाँ जो है वो नीचे फेंक दी गई है, आवाज़ वॉइस कम आ रही थी इसीलिए मुझे बाद में बोलना पड़ा। और मैं थी सिपाही, तो मुझे मतलब सिपाही को जो है वो बाकी तीन के लोग हैं, इनमें से किसी एक को चोर ढूंढना होता है, तो मुझे ढूंढना था चोर, और मैंने ढूंढा था ऋषि को। तो ये चोर नहीं थी, चोर थी वंशिका, इसीलिए मेरे जो है वो जीरो हुए। अंशी, रानी 500 और वंशिका 100 चढ़ेंगी, और ऋषि की ऋषि तू क्या थी? अच्छा भी दिखाई से सिपाही कौन है? खोल खोलो खोलो छोकरी, चोर को ढूंढो, चोर को ढूंढो रे, चोर को ढूंढो रे, हाथ लगा दे। अरे की वेरी इंक्वायरी चाहे कुछ भी कब खोल दे, मतलब जब फेंक दे। मेरे हजार, मैं हूँ राजा, अंशी के 100, मेरे 0 और ऋषि के 500। सबसे आगे अभी ऋषि है, खोल 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 पर्ची खोल, लखो के सिपाही तो तू ही है। मैं नहीं हूँ चोर, मैं राजा। नहीं रानी, तो यही होता है इस गेम में, इस तरह से जो है वो पर्चिया फेंकते हैं, फिर जो सिपाही आएगा वो बताएगा कि मैं सिपाही हूँ, और उसने जो है वो बाकी बच्चे लोगों में से किसी एक को, मतलब जो चोर होगा उसको ढूंढना है। अगर वो ढूंढ पाएगा तो जो सिपाही के मार्क्स है 100 जैसे हमने दिए हैं वो उसको लग जाएंगे, अगर वो नहीं, अगर उसने गलत ढूंढे तो चोर के नंबर, मतलब जो 0 नंबर है उसको 0 नंबर मिलेगा। इट मीन्स अगर उसने सही ढूंढ लिया तो उसको 100 नंबर, अगर उसने नहीं ढूंढा तो उसको जो है 0 नंबर लगेंगे। अंशी हंस नहीं रही इस बार, ऋषि तो हंस रही, इसका मतलब और मैं रानी हूँ। ओके दीदी, इसो हजार मेरे 0। चलो लास्ट फाइनल फाइनल राउंड, फाइनल राउंड, फाइनल 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 तो बता दी हुई चोर बन जाए, तो ये सच भी दी थी भी लग रहे होने चक्कर कहीं के। लास्ट में लगी मेरी 0, और अब होगा इसका टोटल, और मेरे तो देखते हैं आज का विनर कौन होगा। जल्दी जल्दी तो 15 मिनट, ठीक है। 1000, 2000, 3000,
4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 8,500, 87,000, 88,000, 89,000, 90,000 और 91,000। अब आइए इसके 1,000 एक दो तीन चार पाँच पचपन छप्पन सतावन अठावन इसके है 58,000। हजार वह हजार होता है इसके ये5,800 है, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 61,000, 63,000, 64,000, 65,000, 100 5,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 55,000, 56,000, 57,000, 58,000, 59,000, 58,000। आज की विनर हूँ मैं। और फर्स्ट ये है और सेकंड तो यार तू ही नहीं है बराबरी। 58,58 है। मैं हूँ सेकंड। चुप रहे। मैं अच्छा सेकंड तो है थर्ड दोनों है। अच्छा हाँ। सेकंड है फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है रेनू दी। फर्स्ट सेकंड वंशिका और थर्ड है ऋषि का। ऋषि का है। वंशिका या पार्टी 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 पार्टी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो, नई गेम सीखी हो और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी वीडियो दिखाती रहूँगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।